तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी की जो बैटरी लाइफ है या बोल सकते हैं बैटरी चलने को उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं या बोल सकते हैं बैटरी ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे आप उसको कर सकते हैं आगे आपको उसके बारे में कुछ टिप बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी के टिप्स या बोल सकते हैं बैटरी इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में करनी चाहिए। यह बहुत ही सिंपल स्लिप है और आपको इसको हमेशा अपने सैमसंग गैलेक्सी में करके रखना चाहिए जिससे आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग पे। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, डार्क मोड को भी यूज़ करना है ताकि आपकी ज़्यादा बैटरी सेव हो सके, क्योंकि डार्क मोड में जितने भी वाइट कलर की जो लाइट्स होती है LED ही, तो ये ज़्यादा जलती हैं। अगर नॉर्मल अगर आप चलाते हैं तो ये ज़्यादा बैटरी खाती है, और अगर आप ब्लैक में रखेंगे डार्क मोड पर तो वो वहाँ पर कम खाएगी। सबसे पहले टिप आपको ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको नीचे की तरफ बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी से रिलेटेड वर्क करना है तो हमें बैटरी वाले ऑप्शन पे जाना है। बैटरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नीचे की तरफ मोर बैटरी सेटिंग पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एडिक्टिव बैटरी सेवर को ऑन करके रख लेना है। इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है तो आपको इस फीचर को ऑन कर लेना है। तो ये फीचर क्या करता है, एक्सटेंड बैटरी लाइफ बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, जैसा कि वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ये आपके यूजर्स के हिसाब से बैटरी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है तो आपको सबसे पहले इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ से बैक आने के बाद ऊपर आएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पावर सेविंग का, तो आपको इसको भी ऑन नहीं करना है। मतलब कि इसको ऑन नहीं करना है, जब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बैटरी सेव करना है आपको तो आप पावर सेविंग मोड का यूज़ करिए, नहीं तो नॉर्मल इसका यूज़ नहीं करना है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप पावर सेविंग का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप इसमें बहुत कम चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ नहीं कर पाएंगे, CPU स्पीड यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ब्राइटनेस लेवल आपका ज़्यादा कम हो जाएगा, और 5G भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे कंडीशन रहती है पावर सेविंग में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेव कर सकें। तो यहाँ पर आपको एक कमाल का फीचर दे दिया गया है जिसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है, एडिक्टिव पावर सेविंग मोड, आपको इसको इनेबल कर लेना है। भाई ये क्या चीज़ है यार, ये ऐसा काम करता है, ये आपके यूजेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड को ऑन और ऑफ कर लेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप बैटरी वहाँ पर सेव कर पाएंगे। तो इस ये वाला जो फीचर है अभी रिसेंटली एड ऑन किया गया है तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। इससे काफ़ी हद तक आपकी बैटरी सेव होगी क्योंकि ये आपके यूजेस के हिसाब से, जैसे कि एडिक्टिव पावर बैटरी सेविंग बैटरी वाला ऑप्शन है, वैसे ही एडिक्टिव पावर सेविंग है। ये क्या करेगा, आपके यूजेस के हिसाब से पावर सेविंग को ऑन और ऑफ कर लेगा जिससे आप मैक्सिमम बैटरी को सेव कर पाएंगे और आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज कर पाएंगे। तो आपको इसको भी इनेबल कर लेना है। तो कमाल का टिप यही था, आपको इसको भी इनेबल करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता है उसमें कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।